अभी ना 4:45 हो रहे हैं, 5 बजे का टाइम दिया है बारात निकलने का, लेकिन लेट हो गया क्योंकि 3 बजे तो लंच करने गए थे, 3:30 4 रूम पे आए थे। फिर मैंने सोचा कि पीहू को सुला देती हूँ क्योंकि पीहू सोएगी नहीं तब तक, शाम को कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैंने सुलाने की बहुत ट्राई की और अब जाके 4:45 हुए, तो अब जाके वो सोई है और 15 मिनट है और बस अब मैं रेडी होने वाली फटाफट। ये मैंने वैसे संगीत में पहनी थी कल, बट थोड़ा सा यू नो प्लान में चेंज आ गया और मैंने चेंज कर दी और आज मैं ये पहनने वाली हूँ। सो अभी रेडी होते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी जाखड़ व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपको करना है लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल पर अगर नए हैं और नए नहीं है पुराने हैं फिर भी डेली वीडियोज देखते हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग आए हुए हैं देहरादून एक फ्रेंड की शादी में, बारात में आए थे और हम लोग जस्ट पहुंचे ही थे 3 बजे और उसके बाद चले गए थे हम लोग लंच करने के लिए। लंच करने के बाद मैं रूम में आ गई थी, फिर मैंने पीहू को सुलाया और अब टाइम हो रहा है 4:45 जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और 5 बजे घुड़चुड़ी का मुहूर्त है। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है और मुझे रेडी होना है, फिर पीहू को भी उठाना है, उसको भी रेडी करना है, तो बहुत काम है इसलिए मैं बहुत फटाफट कर रही थी। और फटाफट में हड़बड़ी में बहुत कुछ मिस हो रहा था मुझसे। सो सबसे पहले मैंने मेकअप किया तो उसमें आपने देखा ही था, मैंने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था, बहुत अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज किया ताकि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अपना जो भी मेकअप वेकअप से थोड़ी खराब कम हो। उसके बाद मैंने होठों पे लिप बाम लगा दिया ताकि होठ भी मॉइस्चराइज हो जाए। ओके, उसके बाद मुझे लगाना था प्राइमर लेकिन वो मैं भूल चुकी थी फटाफटी में, और उसके बाद सीधा मैंने लगाया कंसीलर। कंसीलर के बाद मैंने लगा दिया फाउंडेशन, और मैं जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर था वो मैं लेके नहीं गई थी, मैं बहुत कम आइटम्स लेके गई थी, मैंने सोचा कि फालतू में बहुत सारा उठाने से क्या मतलब है, सिर्फ एक ही दिन रेडी होना है तो जो भी मिनिमल आइटम होगा मैं उससे रेडी हो जाऊंगी। तो मैंने अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको अच्छे से वॉश किया, ड्राई किया एंड उससे मैंने सारा अपना मेकअप ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद मैंने आई शेडो लगाने लगी। तो मेरी जो बेटी है पीहू, उसने क्या किया, जो मेरा आई शेडो वाला जो ब्रश था उसको जो शेडो पैलेट में ब्लैक कलर था उससे उसने कलर्स को ब्लैक कर दिया, और देखो मेरी आंखें पूरी काली हो गई और अब मैं वही आंखें साफ कर रही हूँ अपनी क्योंकि मेरा पूरी ब्लैक हो गई शेडो। तो फिर से मैंने आंखों के ऊपर कंसीलर लगाया, सारा कुछ मेकअप फिर से एक फिक्स किया और फिर मैंने आई शेडो लगाई। तो आई शेडो एक्चुअली मेरे पास जो मुझे लिपस्टिक का कलर था, मुझे मेरी जो ड्रेस है बेज कलर की थी और मुझे अपना लिपस्टिक का कलर रखना था ब्राउन, तो इसलिए मैंने वही सेम ब्राउन कलर मैंने आईज पे लगा दिया लिपस्टिक का, उसको थोड़ा सा वैसा शेड दे दिया सेम, क्योंकि मेरा आई शेडो पैलेट में वो कलर नहीं था। उसके बाद मैंने ऊपर आंखों के ऊपर शिमरी सा लगा दिया, और अभी मैं थोड़ी सी ना लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ सो दैट कि जो मेरी लिपस्टिक है इंटैक्ट रहे और हटे नहीं, खाना वाना खाएंगे कुछ खाएंगे, और अभी तो 5 बजे रात को शादी वादी होते होते 12-1 बज जाएंगे तो तब तक टिकी रहनी चाहिए। और चलिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस मेरे बाल बाल भी पूरे सेट है, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिए हल्के से, पहले मैंने सोचा कि कर्ल करती हूँ फिर मैंने सोचा कि क्या पता कर्ल, मेरे पास हेयर स्प्रे नहीं है ना तो कर्ल्स जो बनाऊंगी मैं वो वैसे इंटैक्ट रहेंगे नहीं और थोड़ी देर से बिखर के मैं पूरी पागल सी भूतनी से लगने लगूंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार स्ट्रेट रखते, थोड़े बाल मेरे सीधे से ही हैं तो थोड़ा और स्ट्रेट कर दूंगी तो अच्छा लुक आ जाएगा। और पता नहीं अभी मैं बाहर क्यों चली गई, क्या लेने के लिए गई हूँ। तो ये सभी बात बारी आती है ज्वेलरी की, तो मैंने बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी रखी, मैंने गले में एक चोकर पहना है ये वाला, और क्योंकि मुझसे पहना नहीं गया तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा मित आएंगे तो उनसे मैं बंधवा दूंगी, और मैंने छोटे से ईयरिंग्स पहने हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे ईयरिंग्स के, क्योंकि इसका गला काफ़ी छोटा है तो इससे बड़ा अगर मैं कुछ गले में पहनती हूँ, बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनती तो इतना अच्छा लुक नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत छोटे वाले ईयरिंग्स पहने और गले में पहन लिया। इसकी मैचिंग मेरे पास रिंग थी और इसी का मैचिंग मेरे पास ब्रेसलेट भी था, तो ब्रेसलेट और जो मेरा गले का चोकर है चोकर जो वो मैंने दोनों रख दिए, मैंने कहा मैं आएंगे अभी बाहर गए हुए तो फिर मैं उन्हीं से पहन लूंगी क्योंकि एक हाथ से पहना नहीं जा रहा था। और बस दूसरे हाथ में मैंने पहन ली है वॉच एवरग्रीन, मैं वॉच पहन लेती हूँ हमेशा ही, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वॉचेस। एंड फिर से बाल वाल सेट करी, पता नहीं क्यों मैं अपने बालों से सेटिस्फाई नहीं हूँ, एनीवेज बाल तो बिखर नहीं है बच्चे के साथ, कितना मैं सेट करके रखूंगी। और अभी मैं थोड़ी सी पागलपंती कर रही हूँ मुझे लग रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ इसको हटा दूँ। आपके आपके कहाँ तो बात भी क्या है। सो गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे, हमने हीटर मंगवाया, हमें लगा एसी चल रहा है, सो हमने रूम सर्विस पे कॉल किया और कहा कि एसी बंद करना, उन्होंने बोला एसी चल ही नहीं रहा है एसी चल ही नहीं रहा है, और हमने फिर हीटर मंगवाया क्योंकि पीहू को ठंड लग रही थी। एंड अभी पीहू स्नैक्स कर रही है, उसके मखाने में लाई थी बहुत सारे रोस्ट करके और सारे जो स्नैक्स, पीहू के कपड़े निकाल दिए, मेरा लहंगा और मैं रेडी हूँ। ये
अच्छी नहीं दिख रही ना, इसमें लाइटिंग नहीं है, पता नहीं क्या होटल्स के रूम है। ओहो चलिए चाय पीते हैं। हाँ, ओके ओके, चाय इसमें है ना, ठंडी हो जाएगी। पियो मिट्टी वाला न्यू टाइप की ग्लास मम्मा के साथ चाय पीते हैं। यार इसमें लाइटिंग क्यों नहीं अच्छी होती यार ये होटलों में यार, ये क्या तरीका है। बंद पड़ी है, कहाँ है, सारी ऑन है, पागल हो गया, वो बंद पड़ी है, करो ऑन करो। इधर क्या है, एक दो लट्टू डे तो है, फिर है क्या। और वो वाली बेड के पीछे वाली इधर करना, नहीं सारी ऑन है, इतनी है, ट्यूबलाइट तो है नहीं। सो गाइज मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ फुल लुक, और आप कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे मेरी आउटफिट लग रही है और कैसा मेरा आपको मेकअप लगा। एंड पीयू को भी रेडी कर दिया और रेडी करने के बाद वो कर रही है पॉटी। फुल लुक और पूरा मेकअप करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए। बाय, बताओ पीछे नहीं आना है। सो गाइस दिस इज द रियलिटी ऑफ मदर्स, ये फैशन ही है, चलो ये कुछ काम नहीं आते। कहाँ जा रहे हो, वॉर खेलने जा रहे हो, पॉटी साफ करने जा रहे हो? और गाइस ठंड को देखते हुए नीचे पजामे मुझे, और अब मैं नीचे पहनने वाली हूँ स्पोर्ट्स शूज क्योंकि मैं सैंडल नहीं ली। छोटू क्या कर रहे हो? ए नहीं बंद कर दो प्लीज, बंद कर दो। सो गाइस ये है फाइनल टच अप, अभी पियू के शूज सॉक्स हो रहे हैं और उसके बाद हम चलते हैं बाहर। हाँ पापा तो बदमाश ही है बेटू, क्या करें, जो इतने दिए उतना शुक्र मना। एंड गाइस पीयू को मैंने फुली रेडी कर दिया, उसको मैंने फ्रॉक पहने, फ्रॉक के नीचे मैंने उसको पहना है थर्मल जो इनर होता है, उसके बाद मैंने उसको मोटा सा जैकेट, और पैरों में मैंने उसको पहना दिया, इसकी दो लेगिंग पहना दिए और एक स्टॉकिंग पहना दिए, नीचे पैरों में दो सॉक्स पहना दिए, उसको मैंने फुल्ली पैक कर दिया ताकि मेरे बच्चे को बिल्कुल ठंड ना लगे। और मैंने इसको ड्रेस पहनाई, इसके बर्थडे की, थर्ड बर्थडे की इसकी ड्रेस है, इसकी मासी ने दी है, ऑब्वियसली सारी चीजें इसकी 50% इसकी मासी लाती है और बाकी बच्चे को जिसकी नानी दे देती है, तो मुझे तो इसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन करनी नहीं पड़ती। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि अभी है बारातियों का स्नैक्स, अभी सब लोग नाश्ता वाश्ता करेंगे और उससे पहले हम लोग जा रहे हैं दूल्हे के पास फोटोग्राफी करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बुलाया है कि एक बार फोटो खींच लेते हैं सबका एक बार साथ में। और अभी दूल्हे के रूम में ही जा रहे हैं और यहाँ पे फोटो होने के बाद फटाफट से नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद निकलते हैं बारात लेके दुल्हन को लाने के लिए। चलो लेट्स गो। हेलो हेलो प्रिटी लेडीज, और ये है पीहू के फ्रेंड्स, पूरी शादी में पीहू इन्हीं के साथ खेलती रही, फ्रॉम द फर्स्ट डे जो इसका फंक्शन था शादी का उससे लेके आखिरी दिन तक हमें तो बिल्कुल परेशानी किया, पूरे टाइम इन्हीं के साथ खेलती थी और इन्हीं के साथ ही खाना खा लेती थी, इनकी मम्मी इनको खाना खिलाती थी, उन्हीं के साथ बैठ के खाना भी खा लेती थी। तो बस अभी मैं लेती हूँ कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स और थोड़ा खा पी के जाएंगे ताकि नाचेंगे आराम से, थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना नाचने के लिए। और बस यहाँ से फिर निकलते हैं बाहर, और पीहू ने तो इतना कुछ खाया नहीं क्योंकि मैंने उसको रूम में ऑलरेडी खिला दिया। आ रही है, आएगी
गाइज यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे शादी है, मतलब दुल्हन के यहाँ पे। और मैं और पियू अंदर आ गए थे क्योंकि अभी लास्ट में बराती है, मतलब जो लड़के लोग होते हैं वो तो नाचते थकते ही नहीं है, थकते ही नहीं है, बस वो लोग अनशंट नाच रहे थे। तो इतनी देर फिर मैंने सोचा कि अब पियू को गोदी लेके मैं इतनी देर तो नहीं रह सकती, मैं आ गई थी अंदर और अब वो लोग अभी तक नॉन स्टॉप रोड पर नाच रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वागत के लिए सब लोग खड़े हैं एंट्री पे, वो रिबन विबन लगा के और सब लोग वेट कर रहे कि कब बारात आए और उनका स्वागत करें और रिबन काटे, जो भी उनके एंट्री वेंट्री का जो भी सारा प्रोग्राम है। और पर लड़कों का नाच तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, यहाँ पे अब बस एंट्री में चल रही है बहसबाजी की इतना शगन लेंगे तो एंट्री होगी, इतना शगन देंगे तो एंट्री होगी, अपना सैलरी 1 महीने की सैलरी दे दो, 1 महीने का क्या बोलते हैं बेसिक पे दे दो, ये दे दो वो दे दो। सालियाँ और जीजू की जो भी और उनके फ्रेंड्स हैं उनमें सब में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो बस अब देखते हैं कहाँ पर बात आके मानते हैं और कहाँ पर क्या डिमांड रखते हैं। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन में, बारात आ चुकी है और हम और भी थक चुके हैं, हम लोग अंदर आके बैठ गए। और क्या हो रहा है बाहर, वो द्वार पे कुछ पैसे वैसे मांगते ना, वो बहस चल रही है इतना लेंगे इतना लेंगे इतना लेंगे। और पी हो हमारी क्रैंकी से हो रही है बाबा राम की जोड़िया बधाई, भैया भाभी को बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। सो गाइस 21,000 में डील डन हुई, 51,000 उन्होंने मांगे थे और 21,000 में। और ये लोग लिफाफे देख रहे हैं जो मेरे कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं। यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो चुकी है और दूल्हा जैसे स्टेज पे चढ़ने लगा उसकी जूतियां खींच ली गई। आई डोंट नो यहाँ पे इस वक्त जूते छुपाने की रस्म होती है पता नहीं, बट वहां पे दूल्हे को स्टेज में चढ़ते चढ़ते उसके साथ दोनों जूते खींच लिए गए और अब वही सब कुछ चल रहा है जूते छुपाने वाला। दोनों तरफ की पार्टीज लगी पड़ी अपने पूरे जोर और शोर के साथ और देखते हैं आगे किसके पास जाते हैं जूते। 3183 और एक और एक जरूरी अनाउंसमेंट है, डीजे की जो टाइमिंग्स है वो सिर्फ 10 o'clock तक की है, जो लोग एंजॉय करना चाहते। तो बस अभी दुल्हन की एंट्री हुई नहीं है, तब तक टाइम था और मैंने फटाफट से बैठ के पीहू को खाना खिला दिया क्योंकि उसको टाइम से खिला दूंगी तो फिर वो आराम से अपने जो फ्रेंड्स उनके साथ खेलती रहेगी और बिल्कुल परेशान भी नहीं करेगी। और हमारी ब्राइड की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, ब्राइड का डांस और कपल का डांस ये दोनों डांस में सेपरेट डाल दूंगी क्योंकि उसमें गाना है तो फिर यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा और आप देख लेना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगी गाने के दोनों डांस परफॉर्मेंसेस के। जाओ,
तो बस अब हम सबको लग गई है बहुत जोर की भूख, क्योंकि नाच नाच के पूरा पेट खाली हो चुका है। वैसे तो हम लोग वहां से रवाना हुए, तब खाना खा के मतलब स्नैक्स वगैरह लेके रवाना हुए थे, और यहाँ पे आते हमने फिर लिया स्टार्टर्स, लिए थे सूप कॉफी स्टार्टर्स वगैरह यही सब लिए, हमने खाना नहीं खाया, खाना हमने फेरों के बाद खाया था। तो बस यहाँ पे सूप लिया कॉफी ली स्टार्टर्स लिए, और यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो चुके हैं दूल्हे दुल्हन की यहाँ पे। तो बस शादी हो रही है और बस हो रही है, और यहाँ पे भी बहुत ठंड लग रही थी, तो सबने फिर से कॉफी वगैरह मंगवा ली, तो गर्मा गर्म कॉफी पीते पीते हमने एंजॉय की शादी। वरमाला की मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग जब स्नैक्स वगैरह ले रहे थे तब वरमाला हो गई थी, तो हमने वहीं बैठे बैठे देख लिया और हम लोगों ने उसका वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया। बस और फेरों के बाद हम लोग फिर से जाएंगे अंदर, अब खाएंगे खाना क्योंकि स्नैक्स काफी हैवी हो गए थे, तो फिर रुकना तो था ही था फेरों तक, तो फिर सोचा कि खाना वगैरह हम लोग बाद में खा लेंगे। और अब बस हम लोग खाना वाना खा के हम लोग तो निकल जाएंगे होटल के लिए, क्योंकि पीहू काफ़ी क्रैंकी हो रही थी और उसके वैसे भी रात को 12:30 हो चुके थे, अब उसके सोने का भी टाइम था। वैसे तो वो सो चुकी थी इसलिए वो इतनी एक्टिव थी, और बाकी उसके फ्रेंड्स और बच्चे वगैरह खूब थे तो उन्हीं के साथ खेल रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो फ्रेंडली थी उनके साथ इतने दिनों से, और देखिए अभी तक जाग ही रही है, बिल्कुल उसका सोने का कुछ वो सीन ही नहीं दिख रहा है, बट ठीक है यार उसके बाद ज़्यादा लेट हो जाएगा बच्चे के लिए। और अब हम लोग पहुंचते हैं होटल, होटल में जाके सोएंगे और कल सुबह का व्लॉग शेयर करूंगी मैं आपके साथ आगे का। अरे वाह छोटू, तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया यार, हैं क्या बात है। सो गाइस फाइनली बैक टू रूम, काय का खींच खींच के लाए हो भाई, मैं खींच खींच के लाई हूँ आपको मैं। और क्या आप लाए, और यार इतना ही लॉक आएगा क्या ये स्मार्ट लॉक है, अच्छा इसलिए इसका नाम स्मार्ट लॉक है। हाय राम, हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वापस शादी से, शादी फेरे हो चुके थे मतलब ऑलमोस्ट हो रहे थे, और हम लोग आ गए क्योंकि पीहू बड़ी परेशान हो रही थी, रात के बज चुके 12:30, तो इससे ज्यादा हम लोग लेट कर नहीं सकते थे। हाँ ये इंसान मतलब आप दिन में सोए हो, कितने घंटे सोए आपसे तो मैं ही कम सोई हूँ, आज दिन में भी नहीं सोई मैं, और भाई आप मानो इतना हैवी लहंगा मैंने पहना हुआ है, ठीक है आप इतना फ्री फंड में चल रहे हो, बाल इतने लंबे लंबे खुले मेरे जो मैं मैनेज कर रही हूँ, ठीक है और तो मैं क्या बोलूँ अपनी तारीफ में कम ही है। एनीवेज गाइस मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके आप बता देना कैसी लग, क्या 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 बेटू मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ, तो पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोल रहे मम्मा को ओहो, पापा को बोलो पीयू की ड्रेस चेंज करो, यार अभी मेकअप कैसे उतारूंगी मैं इतना सारा ठंड में, हाँ पानी तो गर्म आ रहा है लेकिन ठंड लग रही है ना यार, अब कितना सही हो गया ना फेस, मन ही नहीं कर रहा मेकअप उतारने का, 2-3 शादी ऐसे अटेंड कर ले, एक ना ऐसी वो होनी चाहिए क्या बोलते हैं लेयर मेकअप की, ठीक है बहुत अच्छा सा बेस बना लो फिर उसको उतार के ऐसे रख लो, ठीक है फिर वो 4-5 शादी में चल जाए तो जब भी जाओ पहन लो, है ना सही है ना। तेरे जिंदगी में कुछ और है मुद्दा है कुछ, ग्लूकोन डी टॉयलेट करेगी और अब इससे ज्यादा आप क्या करोगे, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, बार 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 खाना खा। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल सुबह और आपके साथ शेयर करेंगे देहरादून कहाँ कहाँ घूमते हैं कहाँ नहीं घूमते हैं, घूमते हैं कि नहीं घूमते वो अभी आगे चल के पता चलेगा। और ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड बाय 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 बाय।